हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड हम लोग अब ब्रेकफास्ट भी हो गया है। हम लोग ऑल सेट है, सब कुछ हमने अपने बैग पैक कर लिए हैं। आज हमारा जो है चेकआउट है। उदयपुर में आने से पहले हमने सोचा था कि हम दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे. सो फर्स्ट वन वाज रेडिसन ब्लू एंड वी हैड एन अमेजिंग स्टे हियर. यहाँ पे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी. रूफ टॉप रेस्टोरेंट वाज वेरी वेरी नाइस. सो वी रियली एन्जॉयड हियर. अब हम आज जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट चेक इन प्लेस करने राइट। एंड लेट्स सी उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा. विल कंपेयर बोथ द होटल्स एंड लेट यू नो. और हम लोग जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं और आज का भी हमारा प्लान है घूमने जाने का। आज का तो हमारा आई थिंक चेंज नहीं होने वाला कुछ भी। सिटी पैलेस ही हम लोग अभी जाएंगे। पहले हम लोग चेक इन कर लेंगे, देन उसके बाद वहीं से निकलेंगे। थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा हम लोगों को, बट कोई नहीं, आज आपको एक्सप्लोर करवाएंगे सिटी पैलेस। वहाँ पर हमें 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं घूमने के लिए। फिर हमें थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। बट हम कौन से होटल में जा रहे हैं यह अभी एक सरप्राइज है, वो आपको आगे वीडियो में पता लग हाय हम जाएगा। लेक हम लोगों का चेकआउट हो चुका है और हम लोग बाहर निकल गए हैं। बाहर थोड़ी धूप है बट बहुत ही अच्छा वेदर है। ये हम लोग अभी इस वक्त कैब का वेट करते हुए फटाफट से कैब आए, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। कैब से उतर गए हैं एंड चेक इन टाइम, फटाफट से चेक इन करते हैं एंड ऊपर जाते हैं, फिर हमें निकलना भी है राइट। हम लोग अपने होटल में जा रहे हैं, उसके लिए हमें इस पर बैठना पड़ेगा एंड देन जाएंगे। ऑल सेट। हमें एक ये बुकलेट मिली है जिसमें हम सिटी मैप, सिटी मैप है ये, इसमें हम चेक कर सकते हैं। पड़ेगा थ्रू कार्ड. राइट, अब हम 4th फ्लोर पे आए हैं। यहाँ लिफ्ट है बेसिकली, पहले हम लोग बिल्कुल नीचे थे। हम लोग जो है रूम में आ चुके हैं और जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये इस होटल का नाम क्या है। इस होटल का नाम ओरिका है एंड जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे से कई गुना ज़्यादा आयुषी जो है एक्साइटेड है इस जगह को लेकर, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है, शानदार है। पूरा सिटी जो है यहाँ से दिख रहा है। कितनी एक्साइटेड है तू? ये बोल रही है कि कल हम ट्रॉली में क्यों गए पूरा सिटी देखने के लिए, जब हमें, बट हमें पता नहीं था ना कि हमें ये वाला व्यू जो है मिलने वाला है। एक्चुअली मतलब व्यू इज वर्थ इट. बहुत प्यारा व्यू है. बस एक ड्रॉबैक है कि नीचे से ऊपर आने के लिए देर इज नो एलिवेटर. हमें ऑल द वे उस कार्ट में होते होते हाँ होते हुए फ्लोर मतलब एक मेन जगह पहुंचना है. देन वी हैव टू रीच टू आर बिल्डिंग. आर बिल्डिंग नंबर इज सी. राइट। तो सो इनके इनके कुछ 4 अलग अलग स्पॉट हैं मेरे ख्याल से, ए बी ए सी बी सी डी बिल्डिंग. है ना, बिल्डिंग्स हैं इनकी। तो हम सी नंबर बिल्डिंग में हैं तो इस वजह से ये हमें व्यू जो है यहाँ पे दिख रहा है, बट सीरियसली अमेजिंग, बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो जैसे पीछे का व्यू और मैं यहाँ पे इंजॉय करता हुआ है ना। अगले 2 दिनों के लिए आज हम लोग यहाँ पे जो है इंजॉय करने वाले हैं। वैसे भी आयुषी तो वीडियो व्लॉग इन सब के लिए कोई सपोर्ट नहीं करती है, तो मैं अकेला ही मैं सोच रहा हूँ वीडियोज बनाता हूँ। इसके लिए मैं अपने सारे थैंक यू हैं बेस्ट पर्सन. थैंक यू बेस्ट.
थैंकलेस, ओके राइट। सो अभी हम लोग कुछ भूख भी लग रही है तो कुछ ऑर्डर करते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग जो है निकलेंगे। अभी 2 बज रहे हैं एंड हम लोग 4 बजे के आसपास हम लोग सिटी पैलेस के लिए निकल जाएंगे। बट यहाँ से यार सब कुछ दिख रहा है, जाने की क्या ही जरूरत है सिटी पैलेस में, है ना। अभी आपको वैसे यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट वहां से पूरी लेक जो है आगे पीछे की ओर दिख रही है। रूम का व्यू बहुत बेस्ट है, ठीक है। सो गाइज आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहो, आई होप हम आपको एंटरटेन कर रहे होंगे। सो हम लोग रेडी होके, अगेन मैं तो वही हूँ बट आयुषी रेडी होके अब हम लोग नीचे लंच के लिए जा रहे हैं। देखते हैं लंच में क्या क्या ऑप्शन है और उसके बाद फिर हम लोग सिटी पैलेस निकल जाएंगे। आई थिंक हाँ यही है हमारा गेम, इधर से ही जाएंगे। वाह काफी हवा चल रही है, अमेजिंग। कार्ट तो है अवेलेबल यहाँ पे, कोई ड्राइवर नहीं है, कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, राइट। बट ये कार्ट मेरे को लग नहीं रहा वो वाली है। कार्ट तू चला लेना, देखो आती तो है। पागल है क्या? कार जैसी होती है। तो चल चाबी लगाए, स्टार्ट कर मैं चला लूंगा। ट्राई कर, मेरे को नहीं पता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी ई कार्ट आ गई है एंड चलो लेट्स मूव। 3401 राइट। काफी मूविंग है रेस्टोरेंट। तो अभी सिटी पैलेस जाने के लिए आयुषी ने और मैंने कैब बुक कर रहे थे हम लोग। तो कैब बुक करने के बाद क्या होता है यहाँ पे कि कैब बुक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर कॉल आता है हमारे पास कि आपको जाना कहाँ है। हम बताते हैं कि हमें सिटी पैलेस जाना है। तो वो लोग क्या कहते हैं, मतलब हमारे पास शो हो रहा है 285 रुपीज़ कैब में, बट वो बोलते हैं कि ये वाला प्राइस में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जो है 600 रुपीज़ चार्ज करेंगे आपसे कुछ भी। तो वो काफ़ी रूड भी हैं और बोलते हैं कि हम आपके जाने का और आने का दोनों का चार्ज लेंगे जस्ट बिकॉज वहाँ से हमें कोई सवारी नहीं मिलती है। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी ओला उबर से। तो सीरियसली अब मैंने बाई चांस एक ये चीज़ अच्छी हुई कि मैंने उस कैब ड्राइवर का नंबर ले लिया था जो जिसने हमें छोड़ा था। अब मैंने उसे फ़ोन करके उसको बुला लिया है बट वो भी 400 रुपये चार्ज कर रहा है। इतना दूर है नहीं बट फिर भी कैब वालों की तो यहाँ पे अलग ही मोनोपोली। लोगों 12-13 में मैं अवार्ड ले चुका हूँ। ऐसी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? आती कुछ भी नहीं, समझ में सब आता है। 2 दिन लगते हैं शहर को घूमने में। ओके ओके। और देयर इज द लार्जेस्ट लेक इन माय टाउन। ये वाला ना? यस सर। 17 किलोमीटर का लेक है, नाम है लेक पिछोला। 7 लेक्स है। ये लेक पिछोला है? ये लेक पिछोला है, ये सबसे बड़ा लेक है। ओरा ओबरा है आपका? ओके ओके। हाँ वो पीछे पीछे बीच में जो है। हाँ मैं अभी आपको सब दिखा दूंगा रोक के। ओके ओके राइट। तो फिर आपने कोई एक्टर दिखा तो नहीं होगा ना आपको? अमरे घाट तक। ओके। पर वो बताते ऐसा है, थोड़ा सा कूदता है वो, स्विमिंग करता है, फिर वापस बाहर आके उसको गाड़ी से उस तरफ ले जाते हैं। सो सिटी पैलेस में जाने के लिए हमें यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी पहले। कितना कितना? 450। ठीक है सो ये टिकट ले लिया हमने, ये टिकट 450 एक बंदे की है। और अभी हमें गोल्फ के लिए एक अलग से और टिकट लेनी पड़ेगी आई थिंक यहाँ से, फिर यहाँ से टिकट लेनी होगी और देन उसके बाद हम शायद से इसमें जाएंगे। गोल्फ की भी 2 टिकट हमने ले लिया है 50 रुपीज़ ईच, बट गोल्फ ये है वो नहीं है मेरे ख्याल से। आहा शिट, ये है गोल्फ, वो क्या है? वो ऐसी शोकेस के लिए है। अच्छा शोकेस के लिए है वो। बैठ जाओ प्लीज। उसमें बैठ जाए हम? वो इसके टाइम लगेगा थोड़ा, 5 मिनट। कोई बात नहीं हम उसमें चल लेते हैं ना। आप पीछे आप ले ये जा रही है, इसमें बैठो आप। तो उसमें भी तो भरी गए हैं लोग मेरे ख्याल से। इसमें चले आपकी इच्छा, हम नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा बट अच्छा है वो वाला। चलो कोई बात नहीं इसी में चलते हैं। ये लो टिकट। तो हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर कह सकते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। थैंकफुली वेदर अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती। सो
तो गेट पे ही हम लोगों को गाइड मिल गया वहाँ पे कि हम आपको गाइड कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि आपका ये जो भी सफ़र है अधूरा रह जाएगा अगर हम नहीं होंगे तो, क्योंकि हम ही बताएंगे आपको। बट हमने बोला यार हम लोग कर लेंगे, और उन लोगों के चार्जेस हैं 500 रुपीज़, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है गाइड करते हुए लेके जाएंगे और घुमाएंगे, एक घंटे का ये सफ़र है। सो अब आपको दिखाते हैं, हम पैलेस में अंदर एंटर कर चुके हैं। ये महाराणा प्रताप जी का कक्ष है। सो ये है, यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है देखने को, देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, नाइस। थोड़ी गुफा टाइप है क्योंकि बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, इन रास्तों से आपको गुफ्तगू ज़रूर हम लोग करवाएंगे। ये देख सकते हो ये रूम पूरा पिंक है, एंड यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, इनके अलग कुछ मीनिंग है। एंड अंदर आते हैं हम तो वाओ, ऊपर देख सकते हो आप, अमेजिंग। पूरी दीवार पे पेंटिंग हुई हुई है और इनके इनकी बहुत मीनिंगफुल पेंटिंग्स है ये। आयुष ने पोज दे रखा है फ़ोटो के लिए, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। इधर देख, कुछ भी कहो व्यू बहुत अच्छा है, एक अलग जगह पे जहाँ पे सब कुछ ब्लू ही ब्लू। सो देख सकते हो बिफोर आफ्टर यहाँ पे लगा हुआ है, पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। ये देख, इसमें खाना बनता था हम लोगों का, और ये रहे तांबे के इनके बर्तन, ये रहे है ना, और ये देख अंदर है सारे सामान इन लोगों के। ये आई थिंक मीटिंग रूम है, यहाँ पे सब लोग बैठ के मीटिंग करते होंगे। बट यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है गुफा में आ गए हम कहीं। थोड़े सी सीढ़ियाँ जो है इनकी स्टेयर्स काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, एंड ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम पिछले एक घंटे से घूमे ही जा रहे हैं। Thankfully, ladies भी होती थी। This mannequin indicates the female attendant at the inner Zenina Deodi. She was like a maid. इसके थ्रू मैसेज जाता था। ये होली वाटर फॉर वर्शिप, जो मतलब क्या बोलते हैं, होली वाटर होता है ना, पवित्र पानी, उसको हम मतलब उसको इनमें रखते थे। नो इट्स ये राजा महाराजा की प्रेयर स्पेस थी, यहाँ पे वो पूजा करते थे। एक फेस्टिवल होता है राजस्थान का, बहुत फेमस, अगर आपने राजस्थानी सीरियल्स देखे होंगे, आप राजस्थानी कल्चर से अवेयर हो, तो उसे बोलते हैं गंगौर। तो गंगौर पे फीमेल्स इनकी पूजा करती थी, और अगर आप कभी जैसे कोई राजस्थानी सीरियल देखो, मैंने देखा है, तो उसमें गंगौर में दे यूज टू मेक वन आइडल, मिट्टी का आइडल बनाते थे जिसको वो शिवा बोलते थे। एंड शिवा वॉज अ वेरी केयरिंग हस्बैंड, तो वो चाहते थे कि उनके हस्बैंड्स भी शिवा जैसे। ये इनका वॉक इन क्लॉथिंग स्टोरेज है, इनके अंदर उनके लहंगे चोली, उनके राजा महाराजा के हैवी क्लोथ्स होते थे। हाँ, ये फीमेल का श्रृंगार रूम है, यहाँ पे दे यूज टू हैव देयर मेकअप्स एंड एवरीथिंग। गेम्स होती थी, इन गेम्स का नाम है चॉपर, शतरंज, या आप इसे चेस बोल सकते हो। यहाँ पे फैमिलीज एंड फ्रेंड्स मिलके ये गेम्स खेलते थे। लाइक ये आप एक कर लो, ये प्रीवियस ट्रेडिशन ऑफ कोर्ट्स है, पुराने जमाने के कोर्ट्स होते थे, दिख रहा है वहाँ पे मेन बंदा बैठा था, यू कैन कॉल देम जज, और यहाँ पे बाकी लोग बैठे। सो फ्रॉम 17 टू 20th सेंचुरी के ये स्कल्पचर कार्विंग है, देख सकते हो ये। तो ये स्कल्पचर्स है, जिस तरीके से स्कल्पचर कार्व होते थे, दिस इज रियली नाइस, दिस शोज द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये हमने बहुत हिस्ट्री की बुक्स में देखा है, नाउ वी आर सीइंग इट फॉर रियल, दिस वाज एक्चुअल मेड अप ऑफ दैट टाइम ओनली।
वहाँ पे हमारी सारी देवियाँ हैं, एज इंडियन ट्रेडिशन इज ऑल अबाउट माता देवी लक्ष्मी, दिस इज महेश्वरी, दिस इज माता ब्रह्मणी ब्रह्माणी सॉरी दिस इज सरस्वती एंड दिस इज पार्वती माता. म्यूजिक का भी ऑब्वियसली कल्चर था तो दिस इज वायलिन. तो ये चीज़ें कितनी पुरानी चलती आ रही हैं, तबला हारमोनियम ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, वायलिन कमाइचा, दिस इज फ्लैट सितार. दिस इज इंडियन बैंजो, पहले ज़माने में लोग बहुत बैंजो बजाते थे. एंड दिस इज इसराज. एंड ये सबने देखा ही होगा तानपुरा. सो बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंटल्स के जो ये बजाते थे तानपुरा. एंड ग्रामोफोन, पुराने ज़माने में इस पर कैसेट लगती थी, आई डोंट नो वो क्या लगता था. फाइनली वी आर एट आर एग्जिट. सो एक बार अगर आप यहाँ पे अंदर चले गए तो आपको पूरा वे फॉलो करके ही बाहर आना पड़ेगा. देयर इज नो वे बैक, यू हैव टू फॉलो द वे और एक के बाद आपको आना पड़ेगा. सो हम लोग जो है अभी बाहर आ चुके हैं और बाहर कुछ ये दृश्य है. और एक आपको ख़ास बात बताता हूँ, होली के दिन जब भी होली होती है तो राजा जो है यहाँ पर जो है होलिका को जलाते थे. ये एरिया, इस एरिया में जहाँ पे फ्लावर लगा दिए गए हैं. बाकी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े स्पेस में जो है ये है. हमें तो काफ़ी टाइम लग गया घूमने में. तो हमारी कैब आ गई है और अब हम कैब में निकलते हैं. कैब में इसने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करे हमसे. अभी हम लोग जो है आ गए अपने होटल. कुछ लेके आए हैं हम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी है. एक्चुअली हमें कार्ट में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा फ्लोर देखो ऊपर है, बिल्कुल वो ऊपर, और ये नीचे रिसेप्शन है सब कुछ. सो ये बड़ा प्रॉब्लम है वैसे, ऊपर जाओ बार बार नीचे आओ, इस कार्ट में हर बार इस कार्ट में ऊपर जाना पड़ रहा है. और अच्छा है, व्यू हमें अच्छा मिल गया इस चक्कर में. चलो जी कार्ट में बैठते हैं हम और फिर निकलते हैं. हमारा लाइब्रेरी एरिया जहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी थी और गेम खेलने के लिए बिलियर्ड्स भी था. सो हम लोगों ने वो भी खेला. अब हम नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं जहाँ पे आयुषी पहले ही पहुँच गई है. देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गेम्स जो है अवेलेबल हैं. एंड ओहो ये तो किड सेक्शन है आई थिंक. यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे ये टेडी रखे हुए हैं. एंड यस मैं आपको दिखाता हूँ, चेस भी है और ये देखो कैरम. आयुषी कैरम बोर्ड खेल रही है क्या? वहाँ कैरम नहीं खेल रही, खेल लिया. ये बेसिकली ये वाला रूम जो है किड्स के लिए है, तो छोटे बच्चे उनके लिए है. ये देखो इसमें बहुत सारे टेडीज हैं यहाँ पे. सो हम लोगों की एक्टिविटीज़ हो गई, हमने फोक डांस भी देख लिया और थोड़े गेम्स खेल लिए. अब एक्सप्लोर करते हैं. वैसे कुछ खाने का मन तो नहीं है, सब कुछ खा ही लिया. वैसे बाहर का हम कितना ही खा लेंगे, दो दिन के बाद तीसरे दिन खाने का मन नहीं करता. एक्चुअली हमने मना किया था कि हम डिनर नहीं करेंगे. हाँ मतलब मैंने मना किया था बट आयुषी को देख लो, आयुषी तो बहुत ही खा रही है. बट आयुषी ने ये क्या कहते हैं दाल मखनी इसमें यहाँ पे था नहीं, बट इसने ऑर्डर करके मंगवा लिया. मेरे को ये मटन देख के मेरे से रहा नहीं गया, सो मैंने मटन ले लिया, बाकी दाल राइस नॉर्मल ले लिया.
तो हम लोग जो है डिनर करके वापस रूम में आ गए हैं और आज हमारा थर्ड डे जो है ख़त्म हो गया। एंड थर्ड डे में हम लोगों ने आज कैप्चर किया सिटी पैलेस, जो कि मुझे तो काफ़ी सही लगा। एंड आयुषी को थोड़ा सा मतलब वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हिस्टोरिकल प्लेसेस में घूमना एंड ऑल, बट ठीक था। इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा मुझे लगे, 450 पर हेड थोड़ा ज़्यादा था, कम भी कर सकते थे। एज सच कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है वहाँ पर, बट ठीक है, वन टाइम वॉचेबल है। एंड कल हम लोग जो है पूरा लेक कवर करने वाले हैं, हम लोग लेक के अंदर जाने वाले हैं बोट में, एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हम लोगों ने उस चीज़ के लिए हमने मतलब लास्ट डे को हम लोगों ने रिजर्व रखा था कि एंड डे पे हम लोग वो सब चीज़ें जो है करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो जो है अच्छी लग रही होंगी, और अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में नई जगह के साथ। कल हमारा फोर्थ डे हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।